बिग बॉस के घर के अंदर आज नील और ऐश्वर्या क्लोज होते हुए नजर आए हैं और एक दूसरे को जिस तरीके से वो मॉर्निंग किस दे रहे थे। दरअसल ऐश्वर्या जो है थोड़ा सा इस गेम में परेशान दिख रही है। कल ही उसकी चीजों से ये पता लग रहा था कि घर के अंदर जो चीजें हो रही हैं उससे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। खासकर विक्की के जो जोक्स हैं वो उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। और अब इस हफ्ते नील भी जो है वो नॉमिनेटेड है। नील कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है गेम में वो उस स्तर का तो नहीं है जितना बाकी लोगों का है। हालांकि उसके अगेंस्ट मनस्वी और सना नॉमिनेटेड है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सना तो जो है फिर भी कंटेंट दे देती है, भले ही नॉमिनेशन में आने के बाद दे, लेकिन जहां तक बात है नील की, नील नॉमिनेशन में आने के बाद भी कंटेंट नहीं दे पा रहा। मनस्वी अभी अभी गई है तो मेकर्स सोचेंगे कि उसको इतनी जल्दी निकाल के फायदा नहीं, थोड़ा सा चांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका कल मैंने देखा वो रोमांटिक एंगल जो है एक मुनव्वर के साथ, रोमांटिक नहीं कहूंगी, एक दोस्ती वाला जैसा मनारा के साथ चल रहा है वैसा एंगल शुरू करने की वो कोशिश कर रही है, तो एक वो कंटेंट तो मिल ही सकता है। तो क्या कहीं ना कहीं अब नील और ऐश्वर्या को ये लगने लगा है कि इस हफ्ते वो लोग जो है इस घर से जा सकते हैं और इसीलिए इन दोनों के बीच की नजदीकियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों के बारे में, क्या आपको लगता है कि वाकई में नील के लिए ये नॉमिनेशन थोड़ा भारी हो सकता है? और इन दोनों को बार बार कहा जाता है कि एक दूसरे में ही गुम रहते हैं और निब्बा निब्बी ये सारी चीजें, तो ये लोग तो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा वो फेज अभी तक खत्म नहीं हुआ। पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।